हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीच नॉलेज अड्डा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लिए बनाने जा रही हूँ कश्मीर पनीर मसाला। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने लिया है यहाँ पनीर, इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, पनीर को फ्राई करने के लिए मैंने लिया है सरसों का तेल। अब हम पनीर को इसमें डाल के फ्राई करेंगे दोनों साइड से। इसे दोनों साइड से हम फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, पनीर फ्राई हो गए, अब इसे हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम मसाले तैयार कर लेंगे। हमें चाहिए सबसे पहले 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच से कम सौंफ पाउडर, आधा चम्मच से कम सौंठ पाउडर, अदरक का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सभी मसालों को हम पानी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, सेम कढ़ाई में अब हम डालेंगे साबुत गरम मसाला। इसमें मैंने तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च, हरी इलायची, दालचीनी और लौंग लिया है। हम आंच को मीडियम में रखेंगे। इसके बाद हम आंच को धीमी आंच पे कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच, और हमने जो इसमें मसाले मिलाए थे उसे हम डाल देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम और धीमी आंच पर हम इसे मिलाएंगे जब तक तेल ना छोड़ने लगे मसाले। मसालों को अच्छे से हम भूनेंगे। फ्रेंड्स, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच सब्जी मसाला। आप कोई भी सब्जी मसाला ले सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार। सभी मसालों को अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें हम फेंटी हुई मीठी दही डालेंगे। मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच लिया हुआ है। दही डालते समय आप आंच को धीमी आंच पर रखें और दही को लगातार चलाते रहें ताकि ये फटे नहीं। फ्रेंड, जैसा आप देख सकते हैं मसालों से तेल छोड़ने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। इसमें पनीर डाल के हम इसमें पानी डाल देंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखें, आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी रखें। मैं इसमें 1/2 गिलास पानी डाल रही हूँ। इसे मीडियम फ्लेम पर करीब 10 मिनट तक हम पकाएंगे। फ्रेंड्स, लगभग 10 मिनट हो गया है। अब हम लीड हटा के देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा कश्मीरी पनीर मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। हम इसे धनिया पत्ती या पुदीने की पत्ती से गार्निश कर देंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।